तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सेप्शनल राइज देखा गया पिछले पास्ट कुछ डेकेड्स में। तो इस पार्टी के जो रूट्स हैं वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जनसंघ पार्टी से आते हैं। 1980s में जनता पार्टी का स्प्लिट होता है तो उसी में से एक ऑफशूट की तरह भारतीय जनता पार्टी निकल कर आती है। 1984 के इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 सीट्स थी। अगले कुछ ही सालों में सिचुएशन पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला है जो लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा जो राम रथ यात्रा निकाली गई थी जो कि सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक आने वाली थी, और दूसरी है एकता यात्रा जो कि मुरली मनोहर जोशी के द्वारा निकाली गई थी। इन्हीं फैक्टर्स की वजह से 1991 के इलेक्शंस में बीजेपी को 120 सीट्स मिली। अब आप देख सकते हैं स्टार डिफरेंस कैसे 2 सीट से 120 सीट तक बीजेपी आ गई। 1966 के इलेक्शन में बीजेपी को 161 सीट्स मिली। 1988 के इलेक्शंस में बीजेपी को 182 सीट्स मिली, और 1999 के इलेक्शन में बीजेपी को 183 सीट्स मिली और बीजेपी ने गवर्नमेंट फॉर्म किया। और आज आप देख रहे हैं बीजेपी को 303 सीट्स मिली हैं, और 2019 के इलेक्शन में बीजेपी को 38% वोट्स मिले थे। राइज के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर है डिक्लाइन ऑफ कांग्रेस, और सेकंड है कि स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म और कल्चरलिज्म की आइडियोलॉजी, और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है जो कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पर डिपेंड नहीं होती है, वो एक मेरिटोरियस कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी देते हैं। और एनालिसिस के अनुसार जो 2019 के इलेक्शंस थे उसमें 60% जो यूथ नॉन ट्रेडिशनल वोटर्स थे जो कि ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट नहीं करते थे, उन्होंने भी बीजेपी को सेंट्रल गवर्नमेंट में वोट किया है। तो ये साफ साफ दिखाता है कि जो पार्टी स्टार्टिंग में सिर्फ अर्बन एजुकेटेड हिंदू मिडिल क्लास की पार्टी बोली जाती थी, अब उसका एम्बिट कितना डाइवर्सिफाई हो चुका है, और इन्हीं कारणों की वजह से बीजेपी इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया में एक सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है।